प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए लिंक्डइन पर लोगों से डिजिटल ट्रांजैक्शन को अपनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने एक स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था से एक मजबूत भारत की नींव रखी जा सकती है, जहां भ्रष्टाचार और काले धन के लिए कोई जगह नहीं होगी। पीएम मोदी ने कहा कि विमुद्रीकरण के फैसले को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और पंजाब के ग्रामीण और शहरी इलाकों का दौरा किया। जहां भी गए, उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्ति चाहिए, क्या गरीबों, नव मध्य वर्ग और मध्यवर्गीय लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। सभी ने एक स्वर में कहा हाँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगी। भ्रष्टाचार विकास की गति को धीमा करता है और गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के सपनों को भी तोड़ता है। भारत सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले ने छोटे व्यापारियों को विशेष अवसर प्रदान किए हैं, जिनकी आर्थिक बदलाव में बड़ी भूमिका होगी। आज व्यापारिक समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक मौका आया है, जब वो प्रौद्योगिकी के साथ खुद को और अधिक उन्नत कर अधिक समृद्धि ला सकते हैं। पीएम ने कहा कि ज्यादा नकदी भ्रष्टाचार और काले धन का एक बड़ा स्रोत है। उन्होंने एक बार फिर से कैशलेस ट्रांजैक्शन की जोरदार वकालत की। मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल वैलेट के दौर में रोजमर्रा जरूरतों के साथ साथ मोबाइल के द्वारा और भी बहुत सारी सेवाएं ली जा सकती हैं। अपने पोस्ट में पीएम ने यूपीआई कार्डों का प्रयोग और स्वाइप मशीनों के इस्तेमाल और आधार आधारित भुगतान प्रणाली जैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन पर विचार साझा किए। उन्होंने सभी भारतीयों, विशेषकर युवाओं से बदलाव का अगुवा और दूसरों को डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर प्रेरित करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।